मैडम आ जाना यार पिक्चर तो वही ना आज हालांकि अल्लाह और भगवान का शुक्र करता हूँ कि एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी मुझे मिली और सोनिया गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, वेणुगोपाल जी और हमारी रजनी पाटिल जी, हमारी इंचार्ज, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इस काबिल इन्होंने समझा कि मैं रियासत की कांग्रेस की बागडोर संभालने जा रहा हूँ। आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। काफी लोग हमारी पार्टी में इस वक्त जिनको पार्टी ने बनाया, टिकटें दी, मिनिस्टर बनाया, एमएलए बनाया, एमएलसी बनाया, राज्यसभा में एलओपी और चीफ मिनिस्टर बनाया, आज पार्टी छोड़ के चले गए और अगली अपनी पार्टी बनाई। मैं ये कहना चाहता हूं ऐसे ऐसे चैलेंज, ऐसे ऐसे वक्त कांग्रेस पार्टी को बहुत बार देखने को मिले, लेकिन मुझे यकीन है हम बल्ला साहब, रमन बल्ला साहब के साथ मिलके, जो हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, इस जम्मू में भी और कश्मीर में भी और चनाब वैली, रजौरी, पुंछ में भी पूरी मेहनत करेंगे, मेहनत से इस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और नए चेहरे लाएंगे। जहां जहां वैक्यूम क्रिएट हुआ है उन लोगों वहां पे नए चेहरे लाएंगे, ईमानदार चेहरे लाएंगे और जो हमारे कार्यकर्ता, जो सेकंड लाइन लीडरशिप है, जिनको आज तक उभरने नहीं दिया, उनको फ्रंट पे लाएंगे, उनमें ऊर्जा है काम करने और इस पार्टी को मजबूत।